हमने देखा किस प्रकार से प्रभु राम और लक्ष्मण ये दोनों भी सीता मैया के साथ में वनवास के पहले 2-4 दिन निकाल रहे हैं और राम बहुत ही दुखी हैं, आवेश में हैं कभी कभी रात में सोते वक्त, और लक्ष्मण तुरंत उनको ढाढ़स बंधाने के लिए खड़े हो जाते हैं। तीसरे दिन राम और लक्ष्मण और सीता तीनों पूरे दिन भर चल के गंगा और यमुना के संगम पर आए प्रयाग, जहाँ पर गंगा और यमुना तो सामने से दिखती हैं और सरस्वती नीचे से आती हैं। तो गंगा यमुना सरस्वती के संगम पे प्रयाग में इन तीनों ने स्नान किया। स्नान करने के बाद में प्रयाग है ही पुण्य भूमि, वहाँ पर बहुत सारे साधुओं से महाभागवतों से बोध इत्यादि हुआ और फिर प्रभु राम एक महान ऋषि के आश्रम में आए। उनका नाम था भरद्वाज। भरद्वाज ऋषि ये बृहस्पति के पुत्र हैं। सो भरद्वाज ऋषि ने अपना आश्रम प्रयाग में बनाया था और भरद्वाज ऋषि बहुत समय वेरी वेरी सीनियर सीजन्ड एसेटिक। सो जब राम लक्ष्मण सीता तीनों भरद्वाज जी के आश्रम में आए, उन्होंने देखा एक छोटी सी कुटिया के अंदर हिरन की छाल में बड़ी जटाएं, बड़ी दाढ़ी, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत समय से तपस्या से पूर्ण तेजस्वी शरीर। लेकिन जब भरद्वाज ऋषि ने इन तीनों को देखा, ऐसे तपस्वी मन में भी हार्डन्ड सीजन्ड साधु को भी आंखों से आंसू नहीं रुके। भरद्वाज ऋषि ऑल्सो स्टार्टेड क्राइंग सीइंग द प्रेडिकमेंट ऑफ हिज बिलीवड लॉर्ड राम। राम और लक्ष्मण ने भरद्वाज ऋषि के पैर छुए, सीता मैया ने भरद्वाज ऋषि के सामने नमस्कार किया, भरद्वाज ऋषि ने दोनों को आलिंगन किया और कहने लगे कि आपके आने से पहले से ही मुझे खबर आ चुकी थी कि आपको अयोध्या से निष्कासित किया जा चुका है और मैं जानता था आप यहाँ आएंगे। यहाँ पर आकर मेरी कुटिया को पवित्र करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। इस प्रकार से राम को उन्होंने आलिंगन दिया, नमस्कार भी किया और कहने लगे अयोध्या से आप निष्कासित हुए हैं, अभी आप काफ़ी दूर आ गए हैं, सो मैं निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ पर रहिए, आप समझिए ये आश्रम आपका ही है और हम सब आपकी सेवा करेंगे, यू स्टे हियर। प्रभु राम कहने लगे हे ऋषिवर, मैं आपके इस हमें दिए हुए इस अवसर से बहुत खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, लेकिन मेरे पिताजी ने हमें जंगल में एकांत में रहने का आदेश दिया है और यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती तो हैं और उसके साथ में आप जैसे महान ऋषि का भी संगम है, तो क्योंकि ये इतनी पुण्य भूमि है यहाँ पर लोग आते जाते रहेंगे, कई साधु आएंगे, महात्मा आएंगे, लोग आएंगे, आपसे वार्तालाप करेंगे, आपके दर्शन के लिए आएंगे और ऐसे में हमें जो थोड़ा एकांत चाहिए वो हमें नहीं मिलेगा, तो कृपया हमें यहाँ से पास में कोई ऐसी जगह बताइए जहाँ पे थोड़ा एकांत हो, जिससे सीता मैं और लक्ष्मण अच्छे से आने वाले समय को बिता सके। तो जब फाइनली भरद्वाज ऋषि ने बहुत मनाने का प्रयास किया कि आप ऐसे मत करिए, बट जब फाइनली वो तीनों नहीं मान रहे थे तो उन्होंने कहा वेरी वेल, यहां से 60 मील अर्थात लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर चित्रकूट नाम का एक पर्वत है, वो बहुत ही रमणीय स्थान है, वहां पर सुंदर मोर, बहुत ही अच्छा जंगल, बगीचे हैं, सुंदर झरने बहते हैं, वहां पर आप अपना वास्तव्य कर सकते हैं। सो जैसे ही राम लक्ष्मण सीता ने यह सुना, उन्होंने अपने मन में निर्धार कर लिया कि वो आगे आने वाले समय में चित्रकूट को अपने स्थान के रूप में चुनेंगे। भरद्वाज ऋषि के आश्रम की एक बहुत खासियत थी,
वहां पर सारे वन्य पशु एक साथ आश्रम में रहते थे, सिंह हिरण बाघ चीते हाथी सब आश्रम में रहते थे और भरद्वाज ऋषि के डिस्कोर्सेस सुनने आते थे और वहां पर कोई हिंसा नहीं होती थी। सो दिस इज ऑल्सो वी सी अ ब्यूटिफुल वे इन विच साधुस प्रेजेंस एक भक्त का, एक साधु का केवल वास्तव्य लोगों के अंदर सत्व लाता है। उस दिन इतना सब होने तक शाम हो गई थी। राम लक्ष्मण सीता ने भरद्वाज ऋषि के आश्रम में विश्राम किया। यहां पर गुह के कुछ गुप्तचर जो गुह ने राम और लक्ष्मण और सीता के पीछे छोड़े थे, उन्होंने भी देखा कि अरे राम लक्ष्मण सीता 8-9 घंटे चल चल के भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आए हैं और उन्होंने भरद्वाज और उनके बीच के जो वार्तालाप है वो भी सुना, वो भी उन्होंने गुह को बताया। गुह की जो अंतिम होप थी, अरे आशा थी कि अरे शायद राम लौट जाए, लेकिन अब जब गुह के गुप्तचर आए और उन्होंने कहा कि जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे वो दूर जाते जा रहे हैं, वैसे ही वन में रहने की उनकी इच्छा और बलवती होती जा रही है। गुह की आंखों में से आंसू आए, सुमंत्र भी रोने लगे। सुमंत्र ऑल्सो हैड लॉस्ट ऑल होप्स। रोते हुए गुह को देख कर सुमंत्र ने अपने घोड़े रथ को खींच दिए और वापस अयोध्या की ओर लौटने लगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता।